सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया हूँ, एक मोबाइल के बारे में हम स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में जानेंगे, जो कि Google Pixel 6, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, गजब का, जो कि Google की तरफ से निकल के आ गया है, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में जानते हैं, इस मोबाइल के फुल रिव्यू होगी और इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग को ये मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि इसका प्राइस कितना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैम के बारे में बता देता हूँ। तो रैम आपको 6GB रैम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आप लोग अगर गेमिंग के लिए भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 6GB रैम है। आप लोग कितना भी बड़ा बड़ा गेम खेलते हो, अगर आपके मोबाइल में रहा एक साथ भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6GB बहुत होता है स्टोरेज। उसके बाद हम इंटरनल स्टोरेज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी लोग को आजकल तो फोटोज़ और डॉक्यूमेंट काम होते ही रहता है, ऑनलाइन क्लास के लिए भी चाहिए होता है। तो हम इसकी इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो 64GB है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका इंटरनल स्टोरेज भी 6GB के साथ में 64 अच्छा है। उसके बाद हम बैक कैमरा की बात करते हैं कि आपको कैमरा कैसा देखने को मिलेगा। तो आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 16MP प्लस 16MP प्लस 12MP का 3 कैमरा होगा HDR प्रोसेस के साथ, और 4K वीडियो भी शूट करेगा, जो कि बहुत अच्छा है इसका कैमरा, जो कि कैमरा के मामले में ये बहुत अच्छा है। उसके बाद हम फ्रंट कैमरा की बात करें, यानी कि सेल्फी की, तो सेल्फी भी इसका बहुत अच्छा है, जो 12MP का है। आप लोग ये मत सोचिए कि इसका कम मेगापिक्सल है तो ये ज़्यादा अच्छा फ़ोटो नहीं दे पाएगा, ऐसा बात नहीं है। आईफोन लोग को आप लोग देख लीजिए, जैसा कि उन लोग 12MP का ही कैमरा लगाएगा, पर बहुत अच्छा साफ इमेज देता है, वैसा ही ये मोबाइल का भी है, 12MP का ही कैमरा लगाया है और आगे का 16 ही लगाया है, पर बहुत अच्छा क्वालिटी इमेज देता है, जो कि बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी। और उसके बाद हम इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा खासा बैटरी होने से अच्छा रहता है, ज़्यादा देर तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये मैं बैटरी बता दूं कि बहुत अच्छा बैटरी है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाली बैटरी है, और बहुत जल्दी फास्ट चार्ज भी होता है। तो इसकी हम बैटरी के बारे में बात करें तो 4500mAh का आपको बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि ज़्यादा देर तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग ये बैटरी है, और बहुत जल्दी ये फास्ट चार्ज भी हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा से फास्ट चार्ज होता है। और इसमें आपको वायरलेस चार्ज भी सपोर्ट मिलता है, जो कि वायरलेस सोचिए, और उसके बाद रिवर्स चार्ज का भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपके पास दो मोबाइल होगा, इसमें चार्ज ज़्यादा है और इसमें कम है, तो आप इसको रिवर्स चार्ज भी कर सकते हो, यानी कि इस मोबाइल से इस मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हो, ऐसा भी आपको इस मोबाइल में फीचर्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद टाइप सी का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और बहुत जल्दी यह फास्ट चार्ज कर देता है। उसके बाद डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.2 इंचेस का है, जो कि बड़ा ही मोबाइल है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ये अच्छा मोबाइल है, मेरी मानिए तो आप लोग ये ले सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं तो 6.2 इंचेस है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि स्नैपड्रैगन 870, जो कि बहुत अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा तो आप लोग गेम वेम खेलोगे, या तो ज़्यादा अगर बड़ा अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, हैंग तक नहीं मारेगा। उसके बाद इसीलिए इसमें स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर लगा हुआ बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो आपको 11 वर्जन का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है इसका एंड्रॉयड वर्जन भी। 5G मोबाइल होने वाला ये मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा है, 5G सपोर्ट करता है, 4G भी करेगा, 3G 2G 1G सभी मोबाइल का कर लेगा, हाईएस्ट 5G ये मोबाइल है। उसके बाद लाउड स्पीकर आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्पीकर के मामले में ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग वीडियो सुनोगे तो बहुत लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फिंगरप्रिंट है या नहीं है, तो फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन के अंदर होगा, जो कि बहुत अच्छा है, स्क्रीन के अंदर वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, साइड या तो बैक वाला से, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास देखने को मिल जाएगा, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 वर्जन का, जो कि बहुत अच्छा है, बाकी मोबाइल में ज़्यादा करके 3 वर्जन या तो 5 वर्जन का देखने को मिलता है, पर इसमें आपको 6 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि आपका मोबाइल अगर गिर जाए गलती से या जानबूझ के तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा,
मैं ये कह सकता हूँ जो कि बहुत अच्छा है, ये गोरिल्ला ग्लास आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसकी हम ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक भी अच्छा खासा होने से अच्छा आपका मोबाइल देखने में लगता है या चलेगा। तो आपको एड्रीनो 650 का आपको प्रोसेस वो ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। दो सिम आप लोग इसके अंदर में घुसा सकते हैं, यानी कि डुअल सिम वाला ये मोबाइल है, दो सिम और वोल्टी में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स है। तो आपको गूगल का भी सपोर्ट है, जो कि गूगल सीरीज भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। HDR है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, ये सब जो बाकी मोबाइल में होता है वो सब तो होगा ही। उसके बाद आपको कैमरा भी बहुत अच्छा खासा दे चुका है। और उसके बाद हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो 51,299 का है, जो कि आने वाले समय में ये कम भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। इस रेंज में ये सब मोबाइल का जो फीचर्स बताया मैंने वो ठीक है, क्योंकि ये गूगल पिक्सल का 6 का मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा होता है। इन लोग क्वालिटी पे ज़्यादा मैटर रखता है, इन लोग फालतू का ऐसे ही नहीं बनाता है। अगर 6GB दिया है तो 6GB ही देगा, ऐसा नहीं कि अंदर से 4GB का रैम लगा देगा और बाहर में लिख देगा 6GB, ऐसा नहीं है। इन लोग बहुत अच्छा से क्वालिटी को मेंटेन रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोग अगर ख़रीदोगे तो आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर होगा इस मोबाइल के लिए, और एक मोबाइल दे दिया जाएगा जो कि गूगल पिक्सल 6, जो कि 5G मोबाइल है। आप दो सिम घुसा सकते हो और एक पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग निकाल सकते हो सिम को। और उसके बाद एक चार्जर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा इसका फास्ट चार्जर है। और एक आपको डाटा केबल दे दिया जाएगा, जो कि टाइप सी का डाटा केबल होगा। तो यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस। तो अगर आप लोग को ये मोबाइल ख़रीदना है तो आप लोग ख़रीद सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, या तो आप लोग बाहर से मार्केट से भी ख़रीद सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। अगर वीडियो कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो जस्ट आज कमेंट कर दीजिए आप लोग, और आप लोग को अगर कुछ भी अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर में वीडियो लाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।